इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में और यूरोप कॉन्टिनेंट के लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिवर्स के बारे में वहां पर कौन कौन से रिवर्स है क्या है आई थिंक वहां तक सभी लोग ओके होंगे किसी को कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन होगा नहीं फटाफट सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिएगा आज हम लोग लो यूरोप का बेसिकली पॉलिटिकल मैप डिस्कस करने वाले हैं ठीक है जैसे फिजिकल मैप हमारा कंप्लीट हो चुका है तो ऑबियस अब पॉलिटिकल पार्ट में हम लोग इंटर करेंगे तो पॉलिटिकल मैप को हम लोग डिस्कस लेते हैं सभी लोग फटाफट हर बार की तरह क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिएगा नेहा गुड इवनिंग जो आप अकेडमी के ऐप पर हो ना तो कई सारे बेनिफिट्स हैं इनके अलावा आप अकेडमी के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जो प्लस और आइकोनिक दोनों कोर्सेज में है और आप ऑप्शनल कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो इनके भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और यहाँ पर भी यदि आप रेफर प्रयून वन यूज करते हो आपको इमीडिएट टेन परसेंट ऑफ मिलता है साथियों को मेरी पर्सनल मैंटिंग भी मिल जाएगी इमीडियट टेन परसेंट ऑफ भी मिलता है साथ में आपको मेरी पर्सनल मेट्री भी मिल जाएगी प्लस कोर्स में ट्वेल्व मंथ पे करना है फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन कोड के बाद पे करोगे फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज ऐसे कुछ ट्वेंटी फोर मंथ और 36 जबकि आइकॉनिक कोर्सेज में आओगे तो ट्वेल्ल मंथ पे करा करेड प्रेव को रूपीज ऐसे कुछ ट्वेंटी फोर मंथ थर्टी सिक्स मंथ के लिए भी है गुड इवनिंग टोटल देखो प्लस आइकॉनिक कोर्स में क्या होता है कि पे कई सारे बेनिफिट होने के साथ आपको एक पर्सनल कोच दिया जाता है सो इट इज कॉल्ड द मेंटरशिप प्रोग्राम और प्लस आइकॉनिक किसी भी कोर्स में आप रेफरल कोड के थ्रू आप जुड़ सकते हैं तो अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ सभी लोग फटाफट जुड़ो आज यूरोप के पॉलिटिकल मैप को हम लोग डिस्कस करने वाला है तो आपको क्या करना है अपने एटलस में ये यूरोप कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप ओपन करना है क्या करना है यूरोप कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप निकाल लेना आपके पास एटलस जो भी है उस एटलस में यूरोप का पॉलिटिकल मैप आप लोग ओपन कर लीजिए क्योंकि इन द लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल मैप के बारे में जिसमें मैंने लास्ट कल की क्लास में रिवर्स को डिस्कस किया था

तो हमें बेसिकली यही आपको पॉलिटिकल पो, पो मैप को समझना है पॉलिटिकल मैप को समझने के लिए सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो मैं आपको आते हैं हम लोग यहाँ पर यहाँ पे कंट्री है इसका नाम है आइसलैंड पहले इसको देखना आप लोग आइसलैंड ठीक है यदि पास सेटलस है तो आपको आइसलैंड देख रहा होगा आइसलैंड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आप इनको थोड़ा सा समझोगे देखो आइसलैंड अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है इसका कैपिटल जो है रैक है आप देखोगे इसका कैपिटल जो है रेकज़ेवीक है 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 इसका कैपिटल है, ठीक है? है। देखो समझे है? इसको थोड़ा से ध्यान आप लोग आइसलैंड कंट्री का कैपिटल नॉर्दर्न साइड में सिचुएटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरे वर्ल्ड के साथ जाओगे तो कोई भी कैपिटल सिटी जो है इसके नॉर्थ में नहीं होगी इट इज नो एनी कैपिटल कैपिटल सिटी

नाउ लेट वी नो यहाँ पर एक चीज और हमने बताइए आप लोग की जो रेग्जेविक है यह आपको नॉर्दन मोस्ट कैपिटल है तो नॉर्दन मोस्ट कैपिटल का मीनिंग समझ में आ रहा है सभी लोग एंड सेकंड थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आइसलैंड सिचुएटेड एट द डायरजेंट प्लेट बाउंड्री इट्स बेसिकलीट द डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्री Uh, in the divergent plate boundary continuous volcanic eruptions occur continuously volcanic eruptions occur so iceland called country of ice and fire also called the country of ice and fire because it's a higher latitudes country so temperature is very low so it's called the ice or it's a situated at the divergent boundary of the plate so it is called the fire तो हम इसे कहते हैं कंट्री ऑफ आइस एंड फायर भी आइसलैंड के लिए टर्म यूज किया जाता है इसके पीछे रीजन ये है जब वॉल्कनी ऑप्शन भी आपको मिलेंगे और हायर लैटिट्यूड्स को होने के कारण यहां पर आपको टेम्परेचर भी कम होता है सो इट इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ आइस एंड फायर नाउ इट इज ओके यहाँ तक सभी लोग ओके हैं अप अब सभी लोग ओके हैं प्लीज अप ऑल ऑफ यू गाइस देखो जैसे ही आप आइसलैंड के ईस्ट में बढ़ते हो तो आइसलैंड के ईस्ट में एक कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे नॉर्वे यहाँ पर तो अब हम इसे नॉर्वे को समझेंगे थोड़ा सा ये कंट्री है नॉर्वे इसको समझते हैं नाउ नॉर्वे के मैप को आप ओपन कर लेना नॉर्वे के मैप को ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले नॉर्वे का जो कैपिटल है उसका नाम है ओस्लो देखो यहाँ पर कैपिटल उसका ओस्लो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा ओसलो इट्स द कैपिटल ऑफ द नॉर्वे देख रहे हो ये कंट्री है नॉर्वे इसका कैपिटल है ओसलो जैसे आइसलैंड याद देखा था जैसे आइसलैंड के ईस्टर्न साइड में आओगे नॉर्वेजियन सी के साथ में कंट्री है नॉर्वे जिसका कैपिटल है ऑश्लो ठीक है समझे देखो नॉर्वे जो है बेसिकली ये आपको सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एस्क पेनिशुला ठीक है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के पार्ट में है ये नॉर्वे का जो कैपिटल है उसका नाम है ओस्लो ठीक है और यहाँ के कोस्ट को ना बेसिकली नॉर्वे का जो कोस्ट है फ्योर्ड कोस्ट का एग्जाम्पल है फ्यूर्ड कोस्ट बेसिकली ग्लेशियस के डिपोजिशन से बना हुआ कोस्ट होता है की वजह से बना होता है इट इज कॉल्ड द फ्यूर्ड कोस्ट और लार्जेस्ट बिगेस्ट हार्बर भी है आपको याद रखना एक चीज देखो नॉर्वे के बारे में जाना है नॉर्वे में कोई कोल नहीं है ना इधर कोल नॉर ऑयल बट फुली यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ द वाटर रिसोर्सेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में ना नॉर्वे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है बहुत फेमस कंट्री है ठीक है तो हाईएस्ट पर कैपिटा हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड के अंदर आपको नॉर्वे के साथ ही यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम दोनों नहीं है बट यदि आप देखोगे तो आ, जो प, आ, आपका वाटर रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन बहुत सही तरीके से होता है पूरे वर्ल्ड में आप आते हो तो हाइएस्ट पर कैपिटा हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जो है नॉर्वे के साथ ही जुड़ा है और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में भी ये कंट्री जो है बहुत ही ऊपर है ठीक है समझ रहे से इसको यहाँ का मेजर में आगे तो फिशिंग इज द तो मेजर है है ठीक है? इसमें खास तौर से आपको कॉड हेरिंग मैकरल्स सालमन जैसे जो फिशेज हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं यानी इस नॉर्वे के रीजन में आइएगा तो आप यहाँ पे कॉड हेरिंग मैकेल्स सालमन जैसे आपको फिशेज मिलने की इंपॉर्टेंट कंट्री है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी एच में भी बेहतरीन नंबर पर है ये यहाँ पे कोल और पेट्रोलियम न होने के बावजूद इसने वाटर रिसोर्सेज का बहुत सही यूटिलाइज किया हुआ है ठीक है तो पूरे वर्ल्ड में आते हैं तो पर कैपिटा हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जो है वो सबसे अधिक यूज इसी के पास है आउटपुट इसी के पास है ठीक है जिसका कैपिटल ऑस्लो है और यहाँ कोस्ट जो है फ्योर्ड कोस्ट का एग्जाम्पल है याद रखिएगा नॉर्वे का जो कोस्ट है फ्यूर्ड कोस्ट का एग्जाम्पल है ठीक है आप देखो नॉर्वे के नॉर्दर्न साइड में जाओगे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्वे एक सिटी दिखता होगा नॉर्वे के नाम से यहाँ पर देखो देखिए पे एक सिटी है नॉर्वे के नाम से यहां पे देखिएगा आपको दिख रहा होगा नार्विक नाम का एक शहर दिख रहा होगा नार्विक इस नाम से एक शहर दिख रहा होगा नार्विक देखो आप यहाँ पर यहां पर आपको एक सिटी दिख रहा हो नार्विक नाम से ठीक है समझ रहे इसको यहां पे एक सिटी है उसका नाम है नार्विक अब समझो जैसे आप इस मैप में आओगे तो आपको यहां पे है नार्विक इसी तरह, तरह से जैसे नार्विक के वेस्ट में गए थे कंट्री है स्वीडन स्वीडन में आपको दो प्लेसेस मिलेंगे मिलेंगी यहां पे किरुना और गैलेवीर है एंड गैलेवीर आपको मैं किरुना और गैलेवीर किरुना और गैलेवीर अब इन दोनों प्लेसेस को देखोगे जस्ट आप आओगे तो किरूना और गैलेवीरिया आपको दिख रहे होंगे किरुना एंड द गैले किरुना एंड गैलेवीरे आपको क्या है आयरन और रिसोर्सेज के लिए फेमस इन द स्वीडन इट्स फेमस फॉर द आयरन और रिसोर्सेज और यहां के आयरन और रिसोर्स को किरुना और के आयरन और रिसोर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है इसी नार्विक पोर्ट से जो नार्विक पोर्ट है यहीं से इसे हम लोग भेजते हैं बाहर ठीक है तो नार्विक पोर्ट जो है बेसिकली इट्स फेमस फॉर द दिफ्ट बाई दिस पोर्ट जो स्वीडन के अंदर किरुना किरूना आयरन और मिलते हैं उनका एक्सपोर्ट जो ट्रेड है आपको इसी पोर्ट से होता है वो उसका नाम है नॉर्विक ठीक है इतना तो याद रहेगा या ये आप लोग को तो बेसिकली इसमें दो आप लोग ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं तो सारे सिटीज आपको याद नहीं रखने हैं बट आपको याद रखिएगा कि इज द कैपिटल और नार्वे का कोस्ट जो है वो फ्योर्ड कोस्ट का एग्जाम्पल है और नार्विक जो है वो किरुना गैलेवेरे के आयरन और को एक्सपोर्ट करने के लिए भी जाना जाता है जो आपको यहां पे दिख रहा होगा ये इस पार्ट में और ये पोर्ट वगैरह ओपन रहता है इसके पीछे रीजन ये आता है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो वार्म करंट आती है तो उसके कारण भी यहाँ के पोर्ट विंटर में भी ओपन रहता है विंटर में यहाँ के पोर्ट ओपन रहने के कारण है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट है उसी का इफेक्ट इसमें दिखता है सभी लोग ओके है यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन किसी को भी यॉल ओके नेक्स्ट कंट्री देखोगे वहां पर है उसका नाम है स्वीडन स्वीडन देखो यहां पर स्वीडन ये कंट्री देख लो स्वीडन ये नॉर्वे है ये आपका स्वीडन है स्वीडन का जो कैपिटल है उसका नाम है स्टॉक होम स्टॉक होम यह है यहां पर आपको ओसलो दिखाते यहां पर स्टॉक होम दिख रहा है आपको स्टॉकहोम कैपिटल हो गया आपका स्टॉक होम स्टॉक होम ठीक है ये आपको कंट्री में लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द तो यूरोप है ये यूरोप का चौथा बड़ा देश यही है इन टर्म्स ऑफ द एरिया एरिया में देखोगे तो यूरोप का फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री आपका नॉर्वे ही है ठीक है स्टॉक होम जो कैपिटल है जिसका पॉलिटिक्स के कोस्ट पे सिचुएटेड है ठीक है प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल कल्चरल सेंटर ऑफ द कंट्री है और इसको ब्यूटी ऑन द सी भी बोलते हैं इस स्टॉक होम के यूज किया था ब्यूटी ऑन द सी ब्यूटी ऑन द सी वर्ड से भी जाना जाता है किसे स्टॉक होम को तो ये भी याद रखिए कि स्टॉक होम इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑन द सी ठीक है समझ रहे इस चीज तो को आप लोग डाउट या कोई कंफ्यूजन किसी को भी और अभी मैंने आपको बताया भी था किरोना और गैलेवेरी के बारे में कि किरूना एंड गैलेवेरी बोथ आर द फेमस फॉर द आयरन और टिपो मैग्नेटाइट आयरन और यहां पे मिलता है सो याद रखना और किरुना एक रिवर के बैंक पे है उस रिवर का नाम है टॉर्नर रिवर्स इसी नदी के किनारे सिचुएटेड है जो टॉर्नर रिवर्स आप उसके सदन पार्ट में देखोगे स्टॉक के पास में एक सिटी दिख रहा है गोटेनबर्ग गोटेनबर्ग यहाँ पे कैनाल भी है गोटेनबर्ग कैनाल इस रीजन में होगा ना स्वीडन में तो आपको यहाँ पे गोटेनबर्ग भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अब देखो आपने ओस्लो को देखा और स्टोकहोम को देखा तो कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्दर्न मोस्ट जो कैपिटल है सबसे रेक्सिविक है रेक्विक के बाद किस किसके कैपिटल की पोजिशन आती है फिर कैपिटल आते हैं ऐसे भी आ सकता है ठीक है तो आपने देखा कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल रेगजेविक है उसके बाद जो कैपिटल आता, आता है आपका वो फिनलैंड का कैपिटल आता है हैलशंकी अब उसी की कंट्री है फिनलैंड जिसका कैपिटल है हेलशंकी फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक्स लेक ना कई ग्लेशियर्स लेक है कई सारे ग्लेशियर लेक है सो इट इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ लैंड एंड लेक्स फॉरेस्ट एंड द लेक्स तो याद लेक् कभी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड द फॉरेस्ट एंड द लेक्स वी कैन से इट्स अ फिनलैंड ठीक है और फिनिश नेम इसको बोलते हैं शॉमी मीन्स सोमी लेकल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज इन द आर्कटिक सर्कल ठीक है और लैपलैंड वाइल द सदर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेट इधर फर्टाइल क्ले एंड सॉइल उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हेलसिंकी हेलसिंकी को ताकि आपको आसानी से समझने में आ जाए देख सकते फिनलैंड है ठीक है इट्स कैपिटल ऑफ द फिनलैंड अच्छा हेल सिंकी एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ फिनलैंड एंड इज ऑल्सो the सिटी ऑफ द नॉर्थ ठीक है आफ्टर रेगजेविक आइसलैंड वर्ल्ड मोस्ट नॉर्दर्न कैपिटल यही है तो से के बाद तो नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है। देखो सबसे नॉर्थ में कौन सा है रेक जैविक है उसके बाद जिस कैपिटल का पोजीशन है वो है हेल इसके बाद देखोगे देखो ओस्लो का नंबर आएगा और लास्ट में स्टॉकहोम है यदि आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाए कि को नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो कई बार ना आते हैं क्वेश्चन मैप में अब देखो मैप में स्पष्ट दिख रहा होगा कि जेवी नॉर्दर्न साइड में हो, उसके बाद आपको हेलसिंकी की पोजिशन होगी फिर का होगा फिर आपको लास्ट में आपको दिख रहा होगा स्टॉक का ठीक है समझ में आए यहां तक सभी लोग को यदि आप लोग प्लीज समझ गए तो प्लीज गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइस यदि आप सभी लोग को समझ में आ गया तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू ठीक है देखो यहां पर जो आपको इश्टोनिया लातविया लिथुआनिया इनके कैपिटल्स याद रखना बहुत खास कुछ इसमें आपको मिलना नहीं है पोलैंड का देखो कैपिटल है उसका नाम के बारे में मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया होता कि वर्षाव जो तो है आपको विस्टूला रिवर के बैंक सिचुएटेड है कल की क्लास में डिस्कस कर चुके ऑलरेडी इसके बारे में जो कैपिटल ऑफ द पोलैंड है और उसी वर्षाओ में एक सिटी है लॉज नाम से लॉज लॉर्ज देखो वर्षाओ के पास में एक सिटी है पोलैंड में लॉज नाम की जिसको मैनचेस्टर ऑफ द पोलैंड कहते हैं सिटी को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ द पोलैंड पोलैंड का मैनचेस्टर कहते हैं ठीक है तो इसमें याद रखना कि पोलैंड का जो मैं लॉर्ड को, को बोलते हैं कैपिटल इसका वर्षाव है आप यहां देखो डेनमार्क है डेनमार्क का जो कैपिटल है कोपेन हेगन देखो डेनमार्क के बारे में याद रखना है कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी तरीके से मेकेनाइज तरीके से डेयरी फार्मिंग आपको डेनमार्क के साथ में है पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है ना ये डेयरी फार्मिंग के लिए फेमस है और उसमें डेयरी फार्मिंग का सबसे बेहतरीन यूटिलाइज जो किया है जिस कंट्री ने किया वो डेनमार्क ही है कैपिटल है कोपेन हेगन और कोपेन हेगन के बारे में याद रखना कि एक आइलैंड पर सिचुएटेड है ये आपको आइलैंड पर है यदि आपके पास मैप में देख रहे हो तो आइलैंड पर है ये, ये इस पेनुसुला पर पे नहीं है आपको याद हो मैंने बताया था कि डेनमार्क आपको एक पेनुसुला नाम है जटलैंड पेनुसुला जटलैंड पेनुसुला प्लस आइलैंड मिलकर डेनमार्क बनते कुछ आइलैंड्स मिले हुए हैं यहाँ पर तो कैपिटल जो है वो इसके आइलैंड पर है ना कि जटलैंड पेनसुला पर सिचुएटेड है इसको याद रखना कंफ्यूज मत करना कि कैपिटल ऑफ द डेनमार्क सिचुएटेड एट द जटलैंड पेनुसुला तो रॉन्ग है ये किस पे है? पे है। याद रहेगा रहे जर्मनी।, रहे कि जर्मनी तो अब आते हम लोग जर्मनी को देखो जर्मनी यूरोप ऑफ द डेवलप्ड कंट्री में से एक है ऑलमोस्ट यूरोप की जितनी भी कंट्री सारे डेवलप्ड है तो यह भी उसी तरीके से एक डेवलप्ड कंट्री है मैप में आप लोग देखी रहे हो जर्मनी को जिसका कैपिटल बर्लिन है बर्लिन को टिक कर लीजिएगा सबसे पहले और बर्लिन के बारे में हम जानते हैं कि इट्स सिचुएटेड द बैंक ऑफ द स्प्री रिवर स्प्री द ट्रिब्यूटरी ऑफ एल्बे एल्बे के ट्रिब्यूटरी स्प्री उसी के बैंक पर को जर्मनी के कैपिटल बर्लिन सिचुएटेड है ठीक है तो हमें याद रखना है कि बर्लिन द कैपिटल ऑफ जर्मनी व्हिच इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ स्प्री रिवर स्प्री द ट्रिब्यूटरी ऑफ एल्बे रिवर ठीक है इसके अलावा एशियन आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि आपको रूर वैली में सिचुएटेड है एशियन रूर रिवर के बैंक पर है ये जो कोल फील्ड के लिए जाना जाता है ठीक है इसके अलावा आपको फ्रैंकफर्ट के बारे में मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था जो राइन रिवर के ट्रुटरी मेन पे, पे सिचुएटेड आपको याद हो शायद तो ठीक है जो आपको राइन के ट्रुटरी मैन पे सिचुएटेड फ्रैंकफर्ट एक इंपॉर्टेंट सिटी है खासतौर से आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल्स के लिए भी है इलेक्ट्रिकल के लिए भी है इंजीनियरिंग के लिए भी है इसके लिए फेमस है ये इसके अलावा आपको कुछ सिटी याद रखना जैसे म्यूनिक म्यूनिक का नाम सुना होगा आप लोगों ने ये सारे आप लोगों को मिल रहे हैं सिटीज एटलस के अंदर एटलस में इन सिटीज को आप लोग फाइंड आउट कर पा रहे या नहीं म्यूनिक जो है आप देखोगे आप बेसिकली ना यदि आप जर्मनी के मैप को देखो तो म्यूनिक आपको यहाँ दिख रहा होगा इस साइड में इस पार्ट को म्यूनिक दिख रहा होगा यहाँ पर ये बोवेरियन हाईलैंड का रीजन है और इस रीजन में आपको म्यूनिक दिख रहा होगा इस बोवेरियन हाईलैंड वाले रीजन में इस पार्ट में ये तो बोवेरियन हाईलैंड का रीजन है और यहाँ पर आपको म्यूनिक दिख रहा होगा ठीक है मिल रहा है लोकेशन आप हाँ लोगों को म्यूनिक याद ना बोवेरियन अपलैंड रीजन से सिचुएटेड है ये ये वहां का एक कल्चरल सिटी है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जाना था खासतौर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है वो है म्यूनिक ठीक है स्टोर्ट गार्ड एक इंपॉर्टेंट सिटी कल की क्लास में डिस्कस किया था कि ऑटोमोबाइल के लिए भी बहुत बहुत ही फेमस सिटी वहां पर ऑटोमोबाइल के लिए ये सिटी आप लोग फाइंड आउट कर पा रहे हो म्यून इनकी लोकेशन याद रखनी और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ बाकी बहुत सारे सिटी जहाँ पे दिए हुए हैं पर सारे सिटीज आपसे पूछने नहीं जाने और ना ही इतने हमें डिटेल्स में याद रखनी है देखो एल्ब के बैंक पर एक सिटी है ड्रेस कल की क्लास में बताया था आपको ट्रेसिडेंट के बारे में ट्रेसिडेंट तो जो एलबी रिवर के बैंक पर हम लोग नोन इट्स चाइना फेमस है एनशियन सिटी है ठीक है तो ऑल गाइजर ओके इफ यू ऑल आर ओके प्लीज गिव अ थम्सअप ऑल ऑफ यू गाइज आप लोग जितने लोग क्लास में जुड़े सभी लोग प्लीज एक थम्सअप दे दो ऑल और ओके प्लीज गिव अ बिग थम्स ऑल ऑफ यू तो ये आपका जर्मनी है जर्मनी का मैप है ये तो दिख रहा होगा आप लोग को आप लोग फेस्टिवल के मोड में लगता है ऐसा कुछ ऐसा ही क्या है आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा और दशहरे में बिजी हो क्या आप सभी लो? लोग प्रेजेंस है काफ़ी कम है तो ये मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कुछ ऐसा ही है या कुछ और कारण है नेक्स्ट uh, जो कंट्री है बेल्जियम देखो बेल्जियम जो कंट्री है छोटा सा कंट्री पहले मैप में देख लो आप इसको बेल्जियम कब देखोगे आपको दिख रहा होगा यह बेल्जियम जर्मनी के वेस्टर्न साइड में देखोगे तो यहां पे बेल्जियम नाम की कंट्री आपको दिख रही होगी यह है बेल्जियम छोटा सा देश है बेल्जियम ठीक है थोड़ा तो सा इसके बारे में समझ लो तो बेल्जियम जो है यदि हम बात करें बेल्जियम की सिचुएटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप ऑन द नॉर्थ सी नॉर्थ सी के बैंक पर है ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द यूरोप यूरोप के अंदर जाइएगा तो मोस्टली डेंस पॉपुलेटेड कंट्री में है बेल्जियम शामिल है और यहां पे जो एकमात्र इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाया जाता है तो कोल ही है कोल जहां पे मिलता उसका है, है, है? बेल्जियम. बेल्जियम है उसका नाम है सैमरा म्यूस कोल फील्ड आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सैमरा म्यूस कोल फील्ड किस कंट्री में है इट्स नाम बेल्जियम बेल्जियम का अंदर एक इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है उसका नाम है सैमरा म्यूस कोल कोल्डफील्ड याद रखिएगा ठीक है जिसका कैपिटल क्या है ब्रसेल्स कैपिटल ऑफ बेल्जियम नोन फॉर द तो सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल और उसका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है एंटवर्प नॉर्थ सी के कोस्ट पर देखो एक चीज और आपको जानना बेल्जियम जो ना वर्ल्ड फेमस है डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए कह सकते हो कि बिगेस्ट डायमंड ट्रेडिंग सेंटर में से एक है बेल्जियम कंट्री और बेल्जियम में सबसे अधिक फेमस कौन सा है रीजन वो है एंटवर्प एंटवर्प जो है बेसिकली डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए फेमस है वर्ल्ड फेमस कंट्री है ये आपको बेल्जियम और उसमें भी एंटवर्प इस चीज़ को याद रखिएगा जैसे हमारे इंडिया में देखो ना तो सूरत है मुंबई है ये डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है तो कुछ ऐसा ही समझो बेल्जियम भी आपको डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए फेमस है उसमें एंटवारप सिटी

कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को भी इसी बेल्जियम के नॉर्दर्न पार्ट में देखो तो नीदरलैंड यहां पे इसका नाम है नीदरलैंड हम लोग आपका नीदरलैंड का रीजन हॉलैंड भी पहले बोलते थे भी आपको है सी के बैंक पर है नीदरलैंड नीदरलैंड कैपिटल इसका क्या है एमस्टरडम एमस्टरडम कैपिटल है इसका कैपिटल सिटी फेमस फॉर द वर्ल्ड सेंटर डायमंडस एंड दर्टस और इसका एक और इम्पोर्टेंट सिटी उसका नाम बेल्जियम में सॉरी नीदरलैंड में देखोगे तो नीदरलैंड में एक सिटी है रॉटेडर्म जो राइन रिवर के माउथ पर सिचुएटेड है और एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है राइन रिवर के माउथ पर सिचुएटेड एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, एक है तो यूरोप का वन ऑफ द बिजिएस्ट फोर्टो में से एक है ये तो क्योंकि राइन रिवर जो है वन ऑफ द बिगेस्ट इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करती है पूरे यूरोप के अंदर और उसी वहीं पर एक रोटेडर्म नाम का शहर भी है जो वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट भी होगा आई मेरी बात समझ में सभी लोगों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन देखो ना ये नीदरलैंड यही पर आपको रोटेडर्म की लोकेशन से मिलेगा कैपिटल आपका मेस्टर है और रोटेडर्म इसका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो आपको राइन रिवर के माउथ पे सिचुएटेड है देख सकते हो इसका कैपिटल है एक छोटी सी कंट्री वहीं पर लक्जमबर्ग लक्जमबर्ग के बारे में जानते हो एक स्मॉल स्टेट लोकेटेड भी तो जर्मनी बेल्जियम एंड फ्रांस इट्स मैक्सिमम लेंथ इज एट्टी टू किलोमीटर और विथ फिफ्टी सेवन किलोमीटर सोच सकते हो कितनी छोटी सी कंट्रीज की मैक्सिमम जो लेंथ है वही एट्टी टू किलोमीटर की है और विध्टी टू फिफ्टी सेवन किलोमीटर यानी बहुत छोटी सी कंट्री है लगजमबर्ग कैपिटल भी लगजमबर्ग है मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर लोकेटेड है इस साउंड में छोटी सी कंट्री है इसको लोलैंड कंट्री भी बोलते हैं यहाँ पे देखोगे ना ये है लगजमबर्ग छोटी सी देश है यह इसको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ तो आपको ताकि आप इजिली इस इसको देख सको ये देख लो आपको जर्मनी बेल्जियम और फ्रांस से घिरा हुआ छोटा सा देश दिख रहा है आपको ये, ये लक्जमबर्ग आपका जिसको लोग लोलैंड कंट्री के नाम से भी जानते हैं ठीक है देख सकते हो तो ये है लक्जमबर्ग अब आ जाओ फ्रांस में देखो फ्रांस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप के अंदर वेस्टर्न यूरोप में आओगे तो फ्रांस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है और एक फेमस कंट्री तो है ही देखो लार्जेस्ट कंट्री इन द वेस्टर्न यूरोप यदि वेस्टर्न यूरोप के अंदर जाओगे तो सबसे बड़ी कंट्री जो है आपको यही है एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप नेक्स्ट टू टू ओनली द रशिया रशिया इट इज के बाद यदि किसी कंट्री किस एरिया सबसे अधिक है तो वो फ्रांस का याद रखना कि वेस्टर्न यूरोप का यानी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप सिचुएटेड है तो वेस्टर्न यूरोप का लार्जेस्ट कंट्री होगा बट यदि रशिया के बाद देखोगे तो रशिया के बाद जो सबसे बड़ी कंट्री है वो फ्रांस ही है यूरोप में ये जो कंट्री आप देख रहे हो फ्रांस इट्स अ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वेस्टर्न यूरोप एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अ यूरोप आफ्टर द रशिया इसका कैपिटल पेरिस है आप सभी लोगों को पता है इसका कैपिटल पेरिस है मैप में भी देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये कैपिटल पेरिस है इसका इट्स अ कैपिटल ऑफ द फ्रांस पेरिस ठीक है सो देख लीजिएगा मैप में लोकेट कर लीजिएगा सभी लोग पेरिस इसका कैपिटल है ये आपको सेंड रिवर के बैंक पर है कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो पेरिस है प्रद्युमन जी ये आपको आपको जो है है एक रिवर एक रिवर उसी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना फ्रांस का जो कैपिटल है ये कॉस्मेटिक के लिए फेमस है फैशन के लिए बहुत ही फेमस है यदि आपको कभी मौका मिला तो बहुत ही बेहतरीन कॉस्मेटिक्स के लिए सिटी जानी जाती तो कॉस्मेटिक के लिए फेमस सेंटर है यह ठीक है इसके अलावा पे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज भी है और मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीजें भी मिलेंगे तो ये याद रहेगा आप फ्रांस के सदरन पार्ट में देखो एक सिटी है मार्शिले सदर्न पार्ट में तो फ्रांस आपको दिख रहा होगा मार्शिले नाम का एक शहर दिख रहा होगा मेडिटेरेनियन कोस्ट पे बेसिकली मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन में जाओगे यहां पर तो मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन में आपको मार्शिले नाम का एक शहर दिख रहा होगा इस पार्ट में इस पार्ट में आपको मार्शिले दिख रहा होगा इस तरफ देखो का दिख मार्शिल होगा इस रीजन मेंियन सी वाले पार्ट में ठीक है मेडिटेरियन कोस्ट पे दिख रहा होगा यह ठीक है इसको सेकेंड सिटी ऑफ फ्रांस कहा जाता है चीफ गेटवे ऑफ द ट्रेड इन द साधर्न फ्रांस साउदर्न फ्रांस में ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी उसका नाम है मार्शिल है मोहम्मद फरहान फ्री क्लासेज है तभी तो अब इस क्लास में हो यदि फ्री नहीं होता तो इस क्लास में एंट्री कैसे कर पाता है डेली इसकी टाइमिंग एट पी एम पे होती है मोहम्मद फरहान ठीक है आपको ये तो ये तो खुद सीधे देखो तो आप क्लास में एंट्री कर गए हो तो फ्री क्लास है यूट्यूब की क्लास है तो फ्री ही रहती है एट पी एम पर होती है डेली तो देखो ना सिन रिवर के माउथ एक सिटी है ले हार्वे उसकी उसका ले हार्वे ठीक है, है? एयर के के बसेस के लिए देखो आप जानते हो फ्रांस जो है एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही फेमस आपने न्यूज में भी सुना होगा राफेल का चर्चा में रहा है वहाँ तो पर एक सिटी है टोलूज ये सिटी आपको एयरक्राफ्ट असेंबलिंग के लिए फेमस है वहां पे फ्रांस के अंदर इसका अगर इंफॉर्मेशन आप लोग पास आप लोग जानते हो सभी लोग कि मेरी एक स्पेशल क्लास होती है रात को ग्यारह बजे विक्रिविजन और जोग्रफी थ्रू एम सी क्यूट ज्योग्राफी तो आप पढ़ लेते हो बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए मेरी क्लास होता है एलेवन पी एम पर अन के ऐप पर यह भी फ्री क्लासेज होती है इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल लेंगे और इस क्लास के आप बिलीव नहीं करोगे बट जिन लोगों ने रेगुलर क्लासेस की होगी इस बार यूपीएससी प्रसन्न डायरेक्ट ही रहे यहाँ से ट्वेंटी ट्वेंटी में भी ट्वेंटी वन में भी सॉरी और इन क्लासेस के आने का बेनिफिट आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलते हैं पोल्स की हैं इट विध अपने रियल टाइम रैंकिंग आप जान सकते हो अपने डाउट्स रेजर हैंड ने क्लास इलेक्चर नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से एनी टाइम एनी इन क्लासेस को देख सकते हैं ठीक है जैसे अब मेरी एक स्पेशल क्लास हो भी चुकी है आप देख सकते हो इसे प्रवीण कुमार नाम से मुझे सर्च करोगे ना इस नाम से तो मैं आपको देख जाऊंगा अनकेडमिक ऐप पर मुझे वहाँ फॉलो कर लोगे तो मेरी क्लासेस की सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगे ठीक है सभी लोग ओके हैं योल आर ओके यॉल आर ओके प्लीज गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइ यदि यहाँ तक सभी लोग ओके हो, प्लीज गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू तो मोहम्मद फरहान जी आपके फर्स्ट क्लास में तो सबसे पहले तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर लेना आपको तो आपका तो ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है इट्स मॉरल ड्यूटी देखो अब आ जाओ स्पेन स्पेन का जो कैपिटल है वो है मैड्रिड यहां देखोगे तो ये है आपका स्पेन और इस स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड देख लो फ्रांस के जस्ट इस बाद में आइब्रियन पेनिशुला पे सिचुएटेड पे है आपका स्पेन और पुर्तुगल यहां पे देखो स्पेन है इसका कैपिटल है मैड्रिड ठीक है हार्ट ऑफ द स्पेन कैपिटल और इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द ट्रेड रूट्स और आपको याद होगा बिलबाओ के बारे में मैंने डिस्कस किया था जो कैंटरबेरियन माउंटेन रीजन है उसी रीजन में, में मैंने डिस्कस किया था बिलबाओ के बारे में बिलबाओ जो है आयरन और के लिए फेमस है आपको हेमेटाइट आयरन और खासतौर से यहां पर इसकी लोकेशंस को मैं दिखाऊंगा आपको ये देखो आपको यहां पर आपको बिलबाओ दिख जाएगा और देखो सिटी मिलेगा कैडिज कैडिज नाम का एक, एक शहर मिलेगा कैडिज नाम से शहर स्पेन के अंदर कैडिज जो है एक आपको इंपॉर्टेंट सिटी है कॉर्क इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है तो आपको याद रखना बिलबाओ जो है वो आयरन ओर के लिए फेमस है हेमेटाइड आयरन ओर और कैडिस जो है इंपॉर्टेंट सिटी है कॉर्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है यह ठीक है वहीं पे आ जाओ तो एक बगल में पास में सिटी कंट्री है पोर्तुगल जिसका कैपिटल है लिस्बन ठीक है लिस्बन इसका कैपिटल एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट कैपिटल सिचुएटेड इन द रिवर ऑफ टैगोस टैगोस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है ठीक है तो याद रखिएगा प्लेलिस्ट में देख लेना मोहम्मद फरहान जी आपको क्लास के बाद प्लेलिस्ट देखना सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको और ये आपको पोर्ट वाइन के लिए फेमस है ठीक है और पोर्टो एक शहर है वहां पर ये भी आपको पोर्ट वाइन के लिए फेमस है जो डेरो रिवर के बैंक पर है यानी लिस्बन जो कैपिटल और टैगोस रिवर के बैंक पर है और ओपोटो जो है आपको ड्यूरो रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है देख सकते हो यहाँ पर लिस्बन टैगोस रिवर के बैंक पर है और ये आपको पोर्ट वाइन के लिए जाना जाता है पोर्ट वाइन के लिए फेमस है यह ठीक है समझ रहे हैं तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन किसी को भी एक छोटी सी कंट्री पे एंडोरा भी उसको है उसको याद रखना ये आपको फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर रीजन पर है एंडोरा नाम की कंट्री है बस इसको लोकेशन याद रखिएगा कई बार पूछ सकता है कि एंडोरा जो है वो किन दो देशों के बीच में तो फ्रांस और स्पेन वाला जो बॉर्डर है उन्हीं के मेड में से छोटे एंडोरा देखो आपको ना ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर से यूपीएससी के लिए जो ऑप्शनल कारनीवाल है सिक्स टॉप ऑप्शनल से स्टार्ट हो रहे हैं अन एकेडमी के ऐप पर तो यह सब ज्वाइन कर सकते हो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल जो आप लोगों के बीच में वो शुरू हो रहे हैं और इनके अलावा आपको थर्टीनथ द अक्टूबर से कुछ बैचेज स्टार्ट भी हुई हैं और एटीनथ ऑफ अक्टूबर से जस्ट आपको कुछ दिनों के अंदर आपको एंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शुरू हो जो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका ठीक है और इन सारे बैचेज को ज्वाइन करने के लिए आपको रेफरल कोड परिवर्ण यूज करना है इससे आपको टेन परसेंट ऑफ तो मिलेगा ही साथ होगा मेरी पर्सनल मैंटरिंग मिल जाएगी और जोग्राफी ऑप्शनल ऑप्ट करते हो तो वहाँ पर भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए अन अकेडमी इंडर्स को प्रवीण मंडिया मेरा टेलीग्राम लिंक है आप यहाँ जुड़ सकते हो और क्लास सबको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और 11 पीएम पर मेरी स्पेशल क्लास में भी मिली है अन अकेडमी के ऐप पर प्रवीण सिंह फाइव फोर फोर नाइन मेरा प्रोफाइल लिंक है आप मुझे जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हो और मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो भाई चलो फिर मिलते हैं हम लोग एक शॉर्ट ब्रेक के बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास Good night all of you guys. Take care. Bye.